तो भाई अब ब्लॉक करेंगे कम और जाएंगे पानी में, इंजॉयमेंट करते हैं। भाई कुछ समझ आए ना, नाचना जरूर है, समझ नहीं आया लेकिन नाचना जरूर भाई। जश देखो ये क्या ही हो रहा है सीन, देखो यार ये एक इतने लोग एक बस में आने के लिए रुके हुए हैं, इतने सारे लोग सही आ रहा है भाई। गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और भाई सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में ये कहना चाहता हूँ, कल के दिन आपको पता है टोरंटो आइलैंड्स, वहाँ पर इतना ज़्यादा थंडर स्टॉर्म आ गया ना, इतनी ज़्यादा हवा आ गई, माफ़ी चाहूँगा भाई लेकिन मैं थोड़ा बहुत काट दिया, मैंने ज़्यादा ही काटा होगा मैंने, अभी मेरे को एडिटिंग की नहीं, मेरे को फिर भी मैंने देख रहा था अपनी क्लिप्स, आवाज़ ना के बराबर है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना भाई। और सॉरी भी थी कल के लिए, क्योंकि आपको पता है कल क्या सीन हो गया था, वो अपने कल वाले ब्लॉग में देख लेना। जाएंगे दोबारा जाएंगे टोरंटो आइलैंड जाएंगे। और आज कहाँ जा रहे हैं भाई, आज जा रहे हैं हम वुडवाइन बीच। तो गाइस पकड़ते हैं यहाँ से बस, बस लेके फिर उसके बाद आपको पता ही सारा सिस्टम, बस लेके एक सब्बे, सब्बे से फिर दूसरी सब्बे, फिर जाके भाई पहुँचेगा तुम्हारा भाई वुडवाइन बीच। स्ट्रगल बहुत है भाई यहाँ पर, लेकिन देखते हैं क्या माहौल होता है आज वुडवाइन बीच पे। कि निकल पड़े झोला उठा के, यहाँ पर कपड़े टॉवल्स वगैरह रख लिए हैं, और मेरे को बंदे मिलेंगे सीधा वहीं पर वुडवाइन बीच में। देखता हूँ कैमरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं तो फिर चलते हैं बस। और क्या, वुडवाइन बीच में इंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे बीच, यहाँ का फर्स्ट टाइम मेरा होगा भाई कनाडा के बीच में जाने का। कल वाला तो चलो टोरंटो आइलैंड्स था, कि भी सीधा टाइम वेस्ट किए बिना आपको लेके चलते हैं बीच पे। स्टेडियम भाई 20 मिनट हो गए यार खड़े, बस ही नहीं आ रही, 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ। ये कनाडा का हाल है, देख लो हर बात में डिले हो रही है, डिले डिले डिले। 43 में जाना था मैंने कैनेडी स्टेशन, ठीक है, लेकिन आज भी मैं 5 मिनट और देखूंगा पता क्यों, उसके बाद मैं घर चले जाऊँगा। कल जाएंगे भाई बीच, कल वैसे मेरा और कोई सीन है घूमने का, लेकिन फिर कल भी जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा पता क्यों यार, ऐसे होता ना तो फिर यार मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता। और फिर आज मैंने सोच लिया वैसे अगर ब्लॉग ना बनाना तो ये अपलोड ही नहीं करना, ठीक है, बेइज्जती वाला काम हो जाता यार। ये देखो डिस्टर्बेंस देखो कितनी है यहाँ पर, बाकी आती है 2-3 मिनट में बस देखूंगा। 43 पे दिखा रहा है अब ना ही, तो भाई सीधा घर चल दूंगा, सामने मेरी गली में घर है, 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, घर चल दूंगा फिर कल देखते हैं। बाकी बादल बहुत बढ़िया हुए पड़े हैं सामने दिखा। पता नहीं यार लोग भागते क्यों, मैं आज तक कसम से नहीं भागा ना इंडिया में तो छोड़ो, इंडिया में तो अपनी बात ही अलग होती है, इंडिया में तो कभी ट्रेनों के धक्के ही नहीं खाने पड़े। एक दो बार गया हूँ मैं ट्रेन में, वो भी यार चाव चाई, ठीक है ना, चाव चाव कहते हैं हमारे इंडिया में, मतलब फंक्शन के लिए। एक बार जैसे बहुत लॉन्ग रूट पर मैंने कहा चलते हैं कोई बात, लेकिन अब यहाँ पर तो भाई एक्साइटमेंट भी है थोड़ी अभी तो है, लेकिन आगे जाके मजबूरी हो जाएगी जब काम वगैरह करेंगे। अभी तो भाई अपने को काम करने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना, कोई काम करने की जल्दी नहीं है, आराम से घूमो फिर ऐश करो भाई जिंदगी, यही टाइम है घूमने का। तो अभी यहाँ से पकड़ने का अपने को बस लेके पहुँचेंगे फिर सीधा वुडवाइन बीच पे। 2 बसेस यहाँ लिया, एरो वगैरह सब लगते हैं, ठीक है, आज मैं खेले आया हूँ फर्स्ट टाइम सब्वे में, वैसे मैं गया हुआ बस में अकेले गया हुआ, शोर बहुत आता है यार यहाँ पर। मैं एक ना माइक खरीदने का सोच रहा हूँ, एक मेरे पास माइक है जो इंडिया से मैं लेके आया हूँ, वो टेस्ट करूँगा एक आधे दिन में, फिर उसके बाद फ्री भी लूँगा यार अगर, या तो क्योंकि यार ब्लॉग सुनाने हैं तो मैं नहीं चाहता गड़बड़ाए कोई, एकदम बढ़िया ब्लॉग बने मैं यही चाहता हूँ, तो खरीदना पड़ेगा माइक, खरीद लेंगे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकलते ही बस मिल गई, लेकिन बस जाएगी 36 पे 6:36 पे 5-10 मिनट के बाद। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं बीच पे, एक्साइटमेंट एक नंबर पे है, कल नहीं थी एक्साइटमेंट आज तो पूरी है भाई, कल भी थी एक्साइटमेंट लेकिन वो मेरी पॉपट हो गया था कल, लेकिन आज खतरनाक है। नीचे को देख रहा हूँ मेरे शूज़ ना गंदे हो जाए इसलिए देख रहा हूँ, बस उतार के हाथ में पकड़ लूँगा अभी, और म्यूज़िक वगैरह अभी से चलना शुरू हो गया भाई, अपना व्लॉग का कीचड़ कर देते हैं ये लोग, लेकिन कोई बात नहीं करो इन्जॉय करो, आज मैं भी इन्जॉय करूँगा, थोड़ा कम करूँगा व्लॉग आज। आ रही है भाई गुड गुड वाइब्स, ठीक है ना, गुड गुड वाइब्स आ रही है आज तो मज़ेदार। पानी में आपको पता है हम बचपन से शौक है भाई, दुबई में अपना थोड़ा मिस हो गया था ये बीच, उधर मैं बीच पे नहीं जा पाया, कोई भी गया तो था लेकिन बीच में नहीं जा पाया, मतलब बीच के अंदर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से पूरा हो गया भाई अपना कोटा, अभी जाएंगे बस सीधा, बस वेट कर रहा हूँ भाई, आ ही नहीं रहे मेरे को, बोल रहे हैं यहाँ खड़े हो, मैं तो खड़ा हुआ हूँ कब का यार, आ ही नहीं रहे, मेरा इतना एक्साइटमेंट, मैं चले जाना 2 मिनट और देखना, मैंने पानी में सीधा बैग वूग फेंक के, ठीक है, सीधा पानी में, बाकी उधर नहीं जा पाए दुबई में, आपको इधर दिखा रहे हैं बीच और वुडवाइन बीच भाई, अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन बीच का बहुत बढ़िया, बाकी पूरा एंजॉय करके लोग वहाँ जेट्सकी भी कर रहे हैं, पता करते हैं क्या रेट वगैरह जेट्सकी का और टाइमिंग्स वगैरह क्या है मेरे को, लेकिन काउंटर नहीं दिख रहा, लोग कर तो रहे हैं काउंटर नहीं दिख रहा, अगर दिख गया काउंटर तो करेंगे भाई जो मर्जी हो जाए। बाकी भाई 2 मिनट में वेट करना है उसके बाद सीधा पानी में, ठीक है, तो आपको सीधा मैं पानी में मिलता हूँ। भाई ये जो जेट्सकी जा रही है ना, मेरे को सुनने में आ कहते हैं प्राइवेट ही होती है, रेंट पर नहीं मिल रही, प्राइवेट यार इतनी सारी प्राइवेट चल रही है, मिली रेंट पर तो करेंगे यार।
चलते हैं सीधा पानी में यार, शेड वगैरह उतारते हैं, स्पीकर अपने डाल लिए, देखो चेंज कर लिया पूरा, और ये भी उतारूंगा शर्ट टी-शर्ट टी-शर्ट, एक्साइटमेंट फुल लेवल पे है, फन लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे आज जाएंगे। देखो डॉग्स को भी लेके आए हुए हैं, चिंपांजी देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, डॉग्स देखो एंजॉय कर रहे हैं फुल लोग अपना यार, हम भी करते हैं यार एंजॉय। अब मिलता हूँ आपको सीधा पानी में, कवर लेके आया मैं फोन वाला, तो कवर डाल के जाएंगे पानी में, देखते हैं आपको दिखाते हैं पूरे सीन। तो भाई अब व्लॉग करेंगे कम और जाएंगे पानी में, एंजॉयमेंट करते हैं। ठंडा बहुत है यार पानी, ठंडा बहुत है। पानी बहुत ठंडा है भाई, आप सोच नहीं सकते कितना ठंडा, कंपनी सीधी पूरी, लेकिन है बहुत दूर तक, लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकते, जा सकते हैं अगर आपके पास भाई वो बोट चलती है ना बीच में, बोट हो या फिर जेट स्की हो तभी जा सकते हो आप, वैसे नहीं जा सकते। ये देखो भाई पानी इतना गंदा नहीं है जितना विशाखा में होता है, मैंने सुनने में आया, मैं भी जाऊँगा एक बार, जब जाऊँगा तो बताऊँगा। वो देखो लोग इन्जॉय कर रहे हैं ये बोट्स पे। इधर देखो पानी इतना ठंडा ना, और अटलांटिस वाले बीच में मैं गया था उधर, इतना ज़्यादा गर्म था ना, मैं पैर रखा पैर बाहर निकाल लिया मैंने, हमने देखा वो लोग बोला, और यहाँ तो भाई अलग ही सीन है यार, इतना ठंडा पानी है, अभी यहाँ पर अंदर खड़े होने का दिल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ही स्विमिंग की है मैंने, लोग यार अभी कोई बनाने वाला तो है नहीं, क्योंकि आधे लोग तो भाई बाहर ही बैठे हुए हैं, ठंड लग रहा है उनको, ठंडा पानी लग रहा है भाई, कमाल है यार, इंजॉय करो आए हो तो। भाई अभी तक काम पर हूँ, अभी ना मैं चल के आ रहा था काम से, काम से तो पीछे दो गोरियाँ थी भाई, दो गोरियाँ क्या क्या बोला उन्होंने वापस में, कहने लगे लिटरली दिस गाय इज स्टिल शिवरिंग, भाई कहने लगे मतलब शिवरिंग मतलब ये होता है काम पर है भाई बंदा अभी तक, देख लो भाई गोरी फैन है, जट्टा ने मुंडे से मरती हैं कुड़ियाँ वनीला रंगिया, ओके। बाकी पानी आई लिटरली यार बहुत ज़्यादा ठंडा है, यूजली मैंने सुना है कहते पानी इतना ठंडा नहीं होता यूजली, इन माई नोट मेरे को भी नहीं पता भाई क्यों आज इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है आज, या तो ऐसा है क्योंकि आज धूप थोड़ी कम थी, धूप ज़्यादा हो ना तो पानी भी गर्म होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन आज तो भाई है ही नहीं, आज वैसे कसम से कह रहा हूँ बहुत कम गर्मी है, वैसे गर्मी होती है इधर। पीछे जो मेरे चल रहे हैं ना ये लाइफ गार्ड है, लाइफ गार्ड थी, लाइफ गार्ड 2400 घंटे होते हैं यार, इधर ये हो इतना शोर डाला हुआ इन्होंने, बीच पे आके भी दांत निकाल रहे हैं यार, मैं भाई अभी तक काम पर हूँ, मैं तभी आया पानी में, मैंने कहा एक बार दोबारा जाऊँ पानी में, शायद काम पर बंद हो जाए, बस सनसेट होने वाला है, अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं भाई। बाकी भाई आप लोग यहाँ पर वो भी खेल सकते हो वॉलीबॉल वगैरह फुटबॉल वगैरह सब खेल रहे हैं। ये देखो भाई नहाने के बाद बीच में एंजॉय करने के बाद ये क्या हो रहा है, अंडरवियर वहाँ टांग रही है, जैसे लोग नहीं सब कुछ दिखाते हैं, हम भी दिखाना शुरू कर दिया, पैंट डालेंगे और जाएंगे सीधा घर भाई, टाइम हो गया अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से 7-8 हो गए, आप सीधा घर चलते हैं, आ जाओ घर चलो, इज्जत बचा के भाई। बाकी भाई इधर पानी भरने के लिए भी लगे हुए हैं, ठीक है आप अपनी बॉटल लेके आ सकते हो, भर सकते हो, रेडी शेडी हो गए हैं भाई, रेडी शेडी होके निकल रहे हैं घर को, क्या ही लिया हो गया बालों का भी। बाकी यार इधर कुछ देखते हैं खाने पीने को शायद मिल जाए, सुना है कैश ही लेते हैं क्योंकि कैश तो है नहीं भाई, डेबिट ही है भाई, कुछ समझ आए ना आए, नाचना जरूर है, समझ नहीं आया लेकिन नाचना जरूर है भाई, बोरों का भी है, समझ आ नहीं रहा क्या हो रहा है, नाची जा रहे हैं। तो भाई बैग वगैरह उठा के अब जा रहे हैं घर, बस पे ही जाना पड़ेगा, आपको पता है यार वही जिंदगी है अपनी बसों वाली, ये अच्छा जिंदगी यहाँ अच्छी भी लगती है, बस में जाते तो भाई बुरी लगती है, लेकिन जो भी है भाई इसी का नाम है जिंदगी, ठीक है ना, इन्जॉय एवरी मोमेंट, ठीक है टू फुलेस्ट इन्जॉय करो। बाकी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था यार, रश देखो भाई बस में, रश देखो भाई, रश देखो ये क्या ही हो रहा है सीन, देखो यार ये एक इतने लोग एक बस में आने के लिए रुके हुए हैं, इतने सारे लोग हंसा ही आ रहा है भाई, इंडियन भाई ने भी देख लिया तभी हंस रहे हैं, गोरे नहीं हंसते भाई, वो परवाह ही नहीं करते, इंडियन बढ़िया होते हैं ना, इंडियन बढ़िया लोग होते हैं भाई साहब, क्या ही रश हुआ बड़ा भाई, क्या ही रश हुआ बड़ा देखा था बाहर यार, देख लो क्या ही सीन हुआ बड़ा, लेकिन हम तो पहुंचेंगे भाई वुडबाइन स्टेशन, इसके बाद सीधा जाएंगे कैनेडी स्टेशन, कैनेडी स्टेशन उतर के देख लो, आधे आधे स्टेशन के नाम भी याद हो गए मेरे को, हफ्ता ही हुआ है, लोग देख लो लोग पता नहीं क्या क्या नाम याद रखते हैं, हम भाई इधर बसों के नाम याद रखते हैं, चलो लिव इट एनीवेज, बाहर रश बहुत है यार।
लोग हंसने लग पड़े, अपने इंडियन हंसने लग पड़े। हाँ सब बढ़िया यार, हंसा मजाक जरूरी है। तो अभी चुप करके वेट करते हैं भाई वुडबाइन स्टेशन पे, जैसे ही आएगी सब लेके सीधा कैनेडी, कैनेडी से सीधा जाके बस, बस से उतर के सीधा घर, घर जाके कुछ खा पियेंगे और ब्लॉग को करेंगे एंड। बस यही था। और आप मेरे को बताना आपको कैसा लगा वुडबाइन बीच, बढ़िया मेरे को तो एक नंबर लगा, 10 में से 10 मैं 10 में से 10 दूंगा। पानी ज़्यादा ठंडा था और रस्ट आज थोड़ा कम था, जिनको कम रश में मजा आता है उनके लिए आज वाला दिन अच्छा था, और जिनको थोड़ा रश चाहिए भाई वो वीकेंड्स पे आना, सैटरडे संडे आना। तो भाई मैकडी में आए थे यार खाने पीने, उन्होंने भाई स्टोरी बंद कर दिया, वॉलमार्ट के अंदर था स्टोर, कहते भाई बाहर जाके खाओ, अब 10:45 हो गए हैं, खा पी के घर जा रहे हैं, बस पकड़ते हैं बस और फिर करते हैं व्लॉग को एंड। लेकिन अभी एंड नहीं हुआ भाई, अभी बस पकड़नी है कि अब तक कोई कंटेंट निकल जाए।